नमस्कार दोस्तों, अब हमारे साथ में एक और शख्सियत हैं, बेंगलोर से आए हुए सीए की फैकल्टी अंशुल अग्रवाल। तो वो हमारे साथ में अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, और अब हम उनसे भी बात करेंगे कि इतनी दूर उनके आने का कारण क्या रहा और क्या वजह रही जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं मेरे साथ देख सकते हैं। आ जाइए सर। अंशुल अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और इन्हीं से पूछते हैं, इतनी दूर आए हैं ICAI के इंस्टीट्यूट पर, क्या कारण है जिसकी वजह से इनको यहाँ आना पड़ा? सर, रीज़न बहुत सिंपल है। कारण आप देख रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं और प्रवीण शर्मा सर है, अमित सर है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि बहुत सिंपल है ये। हम यहाँ कोई तरीके का विरोध करने नहीं आए। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये हमारा घर है, हम इनके बच्चे हैं, CA स्टूडेंट्स और CA हम लोग अपने माता पिता से एक दरख्वास्त करने आए हैं कि हमारे बच्चे जब पेपर लिखते हैं तो अगर एक 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इनको पता चलना चाहिए कि वो 10 मार्क के क्वेश्चन में उनको अगर 6 या 7 मिले हैं तो वो 6 या 7 मार्क किस बात के मिले और किस बात के मार्क कटे हैं। तो हमारे इसमें एक सजेस्टेड आंसर नाम का डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इंस्टीट्यूट ये कहती है कि सजेस्टेड आंसर जो उन्होंने प्रश्न पत्रिका बनाई है उसका एक सजेशन है, लेकिन जब सजेस्टेड आंसर से बच्चे आंसर चेक करते हैं तो वो बिल्कुल मैच नहीं होता है, और वो मैच नहीं होता है तो जब इंस्टीट्यूट को हम पूछते हैं तो इंस्टीट्यूट कहते हैं सजेस्टेड आंसर से पेपर चेक नहीं होता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं आखिर पेपर चेक होते किससे जी? तो जिस भी चीज़ से पेपर चेक होते हैं आप हमें बता दीजिए। हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि आपको स्टेप वाइज पता चल जाता है किस स्टेप के कितने मार्क्स लगेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल सर, ये आप देख रहे हैं इतनी धूप में बच्चे आए, दूर दूर से आए बच्चे, उत्तर प्रदेश से आए, 110 किलोमीटर ट्रैवल करके हरियाणा से आए ये बच्चे। सर इतना प्यार करते हैं, वाराणसी से कह रहा है वो आए, इतना प्यार करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। जब बच्चा फेल होता है ना सर, ये अकेला बच्चा अफेक्ट नहीं होता है, इसकी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। तो मैं आज अपने बच्चों के साथ खड़े रहे। लेकिन सर इंस्टीट्यूट का हमेशा से ही ये कहना रहा है, उनका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, उनका जो मार्किंग प्रोसेस है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, अनबायास्ड है। तो फिर उसके बावजूद भी ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि मार्किंग अच्छी नहीं हो रही, सजेस्टेड आंसर से क्वेश्चन चेक नहीं हो रहे? क्योंकि जो चेक करने वाले लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। ज़रूरी नहीं है सर। नहीं, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस पे हमने बात करते हैं वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बैठे हुए हैं, उन लोगों को ही कॉपियाँ दी जाती हैं लगातार चेक करने के सर, लिए। जिस तरीके की गलतियाँ निकल के बाहर आ रही है ना, अगर माफ़ कीजिएगा बट अगर ये गलतियाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है तो मैं आज अपनी डिग्री सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात बोल दी है सर। अगर ये गलती कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है तो मैं तो CA नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ सर सी। आप बताइए सर, अगर ये गलतियाँ एक सिस्टम में कुछ एरर्स हैं, सिस्टम में कुछ लेक्यूनास हैं, उन लेक्यूनास को, उन एरर्स को दूर करना पड़ेगा। और हमारा यहाँ आने का और बच्चों को भी यहाँ आने का केवल एक ही पर्पस है कि हम CA इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त कर सकें कि आपके सिस्टम में जो कुछ भी थोड़ी सी एरर है, जो हम आपको नहीं सर 100% एक्यूरेसी तो देखिए कहीं भी नहीं पाई जा सकती। बिल्कुल 100% भी नहीं है सर जी। मगर इस एग्ज़ाम के साथ खास बात यह है कि जब एक बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा नहीं, वो फैमिली फेल होती है, फैमिली फेल होती है, वो पूरी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट होता है हमें ये देखना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम में, वो कहते हैं न्याय में, अगर एक को भी अन्याय हुआ है तो वो न्याय प्रक्रिया खराब है। सिमिलरली अगर एक भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो फिर उस सिस्टम में खामियां हैं जिन्हें दूर करना ही करना पड़ेगा। 400 मार्क की CA फाउंडेशन की परीक्षा होती है, 200 मार्क चाहिए पास होने के लिए बच्चे को, और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क चाहिए, 4 सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे का स्कोर 280 आता है और फिर भी बच्चे का रिजल्ट फेल है क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में उसको 38 मार्क मिले, सिर्फ 2 मार्क कम मिले। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बच्चा 400 में से 280 लेके आ रहा है तो वो 2 मार्क क्यों नहीं ला सकता है किसी विषय में, या थोड़ा हम उसको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि वो 6 महीना सर उसके दिमाग पे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि उसके घर में अगर छोटे भाई बहन होंगे आसपास में, वो CA किसी को रेकमेंड नहीं करेगा। लेकिन सर आपको लगता है कि मेमोरेंडम सौंप देना काफ़ी है इंस्टीट्यूट के पास में, इस पर कुछ कार्रवाई होगी? एटलीस्ट ये एक अच्छे स्टेप की तरफ शुरुआत है और हमें इंस्टीट्यूट पे विश्वास है कि वो आगे जरूर बढ़ेंगे और आगे कुछ बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा फैसला लेंगे। सर ये हम बच्चों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आगे रहेंगे सर, हम हमेशा कहते हैं बच्चों से हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन लोगों के भी संज्ञान में ये बात पहुँचनी चाहिए कि कैसे बच्चों के साथ में इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ थोड़ी अनदेखी की जा रही है।
गेट पर किस तरीके का कारनामा हुआ उसको हमने दिखाया ही आप लोगों को। तो आप हमारे साथ में बने रहिए।